ये बिल्कुल गलत है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था, 18 पार्टियां आई पटना में, इंडिया गठबंधन बना, बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जून 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया जा रहा है। जो मुकाबला हम का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। इस बीच कुछ बयान आते रहते हैं उनके ओर से, हमारे ओर से भी, ये आपको मसाला मिल जाता है, पर हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं। बातचीत चल रही है, रनिंग कमेंट्री में नहीं दूंगा, 10, 20, 23, 40, 1, 2, 3। ममता जी ने कहा है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, वो उनकी राय है, पर जब हम गठबंधन में हैं, बातचीत होती है, गठबंधन में लेन देन होता है, हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, हमारी ओर से 42 सीटें उनका लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठकर तय करेगी और जब तय होगा उसकी घोषणा होगी। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कहूंगा कि कितना सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पर मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, आप लोग, मैं जानता नहीं हूं कि नहीं, आप एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म हुआ करता था 1950 के दशक में, 20 साल बाद, आपको याद है 20 साल बाद उसके गाने आज भी मशहूर हैं। 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत गिर गया था, हम छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे, अखबारों ने लिखा कांग्रेस पार्टी गई, और तब इंडिया शाइनिंग था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। पर 20 साल बाद क्या हुआ, मई 2004 में क्या हुआ, किसकी पार्टी बनी, किस गठबंधन की पार्टी बनी, इंडिया शाइनिंग इंडिया गोइंग हो गया। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हमें बिना डर के, हम बिना मनोबल गिराए हुए हम ये चुनाव में उतरे हैं, ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। चुनाव के लिए जो हमें तैयारी करनी है वो किया जा रहा है, हम हर सीट पर मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे, जहां हम अपने बल पर लड़ रहे हैं और जहां गठबंधन के रूप के हिस्से में हम लड़ रहे हैं, हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये मत सोचिए कि नतीजा सुनिश्चित है, 2024 के चुनाव का नतीजा सुनिश्चित नहीं है। ये ढंडोरा पिटाया जा रहा है कि जीत गए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे तीसरे टर्म में यह कहूंगा, पंडित नेहरू ने कभी कहा था कि मैं दूसरे टर्म में यह करूंगा, मैं तीसरे टर्म में यह करूंगा? क्या इंदिरा गांधी जी ने कभी कहा था? क्या नसरुल्लाह जी ने कहा था? क्या राजीव गांधी जी ने कहा था? क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2009 में कि मेरे सेकेंड टर्म में मैं ये करूंगा? ये अहंकार आचार्य है ना,
सभी के आंखों में धूल धार रहे हैं, मेरे तीसरे टर्म में नहीं ये करूंगा वो करूंगा। इनको तीसरा टर्म मिलना कोई सुनिश्चित बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, और हम इस चुनावी जो मशीन है और सबको कंट्रोल में रखी गई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, सभी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, हमारी पार्टियों को, इंडिया पार्टियों को इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है 6 महीने से। एक संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है, हम इलेक्शन कमीशन को जाएं और जो ईवीएम के बारे में हमारी जो आशंकाएं हैं उसको अवगत कराएं, एक मेमोरेंडम दें, वो भी नहीं, उसकी अनुमति भी नहीं मिल रही है। मैं 6 महीने से खत लिख रहा हूं, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए, और ये स्थिति है हमारी लोकतंत्र की, अहंकाचार्य ने जो लोकतंत्र की स्थिति बनाई है। तो ये मत करिए, ये मत सोचिए कि 2024 के चुनाव का नतीजा पहले ही का थर्ड टर्म, तीसरा टर्म आने वाला है।